हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिनव जोशी। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 21 मई 2021। तो 21 मई के हिसाब से इस क्लास में हम लोग आज यहाँ पर करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको जल्दी से जो क्लास का स्ट्रक्चर है, आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, तो जल्दी से मैं आपको क्लास का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा देता हूँ। उससे पहले एक बार मैं चेक कर लूँ कि क्लास की ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे तो क्लास की ऑडियो और वीडियो दोनों ठीक लग रही, कोई प्रॉब्लम मेजर नहीं लग रही। ठीक है, शुरू करते हैं। तो 21 मई के हिसाब से जो आज हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आज का हमारा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर A76। A76 क्या है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है जो टूट चुका है अंटार्कटिका से। ठीक है, आपको पता आइसबर्ग एक बहुत बड़ा है, तो एक आइस का पीस ही है, पर ये जो आइसबर्ग है पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? जब भी अंटार्कटिका से कोई आइसबर्ग टूट के अलग होता है, उसकी वजह से दुनिया का जो ओशन लेवल है, ठीक है, जो ओशन का लेवल है, क्योंकि आइसबर्ग अलग होगा ना तो उसके बाद ये पिघलना शुरू हो जाएगा। जितना भी पानी, और ये आइसबर्ग का साइज छोटा नहीं होता, दुनिया की बड़ी बड़ी सिटीज, कई बार तो कंट्री से भी बड़े आइसबर्ग टूट जाते हैं। ठीक है, सोचो इतने साइज के आइसबर्ग होते हैं, जब ये टूटते हैं दुनिया का जो सी लेवल है या ओशन लेवल है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से लो लाइंग सिटीज होती है, जैसे मुंबई एक लो लाइंग सिटी है, वहाँ पर बहुत डैमेज हो सकता है। तो दुनिया भर में ऐसे बहुत सारी लो लाइंग सिटीज हैं जिनको डैमेज पहुँच सकता है। सेकेंड न्यूज़, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करेगा DD इंटरनेशनल, ताकि इंडियन स्टोरी ग्लोबली प्रोजेक्ट की जा सके। मतलब देखो, आपने देखा होगा कि COVID-19 का जब सेकेंड वेव आई, तो दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स ने इंडिया में रिपोर्टिंग करी। अल जजीरा, BBC, France 24, RT रशिया, इन सब ने इंडिया की स्टोरी दिखाने की कोशिश करी। और जिस तरह से इन्होंने इंडिया की स्टोरी दिखाई, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई बार बहुत ख़राब तरीके से, बहुत बैड पिक्चर दिखाने की कोशिश करी कि सिर्फ इंडिया में ख़राब हो रहा है, सही कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसलिए अब इंडिया को लग रहा है कि हमको भी एक इंटरनेशनल चैनल हमको बनाना पड़ेगा, ताकि इंडियन साइड या फिर जो इंडियन पॉइंट है उसको दुनिया भर के सामने रखा जा सके। थर्ड न्यूज़ क्या है? हमारी कंट्री के कल्चर मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने अनाउंस किया कि 6 कल्चर हेरिटेज साइट्स इंडिया की अब ऐड कर दी गई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। मैं आपको समझाऊंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट क्या होती है, कौन कौन सी वो 6 साइट्स हैं इंडिया की जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया। फोर्थ न्यूज़, ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? जैसा आपको होता है, अब जो तौकाते हैं, ठीक है, तौकाते या टाइकाते जो भी इसको बोलना चाहो, तो ये जो अब साइक्लोन है डिसिपेट हो चुका है, मतलब इसका जो इफेक्ट है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, पर एक नया साइक्लोन यहाँ पर बनना शुरू हो गया, जिसका नाम है साइक्लोन यास। ये आएगा बे ऑफ बंगाल के रीजन में, जो कि हमारी कंट्री के ईस्ट कोस्ट पे। तो ये कैसे बनेगा, कब तक ये आ सकता है, कौन कौन सी स्टेट्स को नुकसान पहुंचेगा, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट, जैसे हर क्लास में हम लोग 12 क्वेश्चन करते हैं, इस क्लास में 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2 स्टैटिक अफेयर्स के, 6 करंट अफेयर्स के, 2 सोशल स्टडीज़ के, 2 फाइनेंस के। ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि पहले हमने न्यूज़ करी फिर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस को पूरी क्लास में मिक्स किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास हमारी चलेगी। क्लास को शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम है अभिनव जोशी, 3 साल से बजाय टाइम से स्टूडेंट्स को करंट अफेयर, स्टैटिक अफेयर्स और बैंकिंग अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। थोड़ी हम बात कर लेते हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के बारे में। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में बहुत सारी क्लासेज आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होती है, आपको सिंपली एक रेफरल कोड चाहिए होता है इन क्लासेज को अनलॉक करने के लिए। आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो ABHI50। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अन अकेडमी के एक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, इसके कुछ फायदे, आप अटेंड कर सकते हो अनलिमिटेड लाइव क्लास किसी भी टाइम कहीं से भी। रेगुलरली यहाँ पर डाउकिंग सेशन को रखा जाता है सारे के सारे कोर्सेज में, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, हमारी कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करी जाती है आपके एजुकेटर्स थ्रू। रेगुलरली यहाँ पर क्विज रखे जाते हैं ताकि आपकी लर्निंग जर्नी को ट्रैक किया सके। बहुत ही इंटरेक्टिव और एंगेजिंग लाइव क्लासेस बनाने की कोशिश की जाती है। रेगुलरली आपको PDF प्रोवाइड की जाती है ताकि आप रिवाइज कर सको। टेस्ट सीरीज रखी जाती है ताकि आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कम्पीट कर सको, और आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि एग्जाम को अप्रोच करना कैसे। ये अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म को मिलेगा कहाँ से? आप सिंपली अन अकेडमी की वेबसाइट पे चले जाओ, या फिर आप सर्च करो अन अकेडमी को गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पे, इंस्टॉल पे क्लिक करो, इस तरह से आपके सामने खुल जाएगी। अपना मोबाइल नंबर डाल के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। एक बार आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, आपसे पूछा है कि कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, उसको सिलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करो और सिलेक्ट करो कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको तैयारी करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है आपने पहले तैयारी की हुई है, आपको बस एक फाइनल पोस्ट चाहिए, तो थोड़ा कम ड्यूरेशन सेलेक्ट करना। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका फाइनल अटेम्प्ट है, पूरा जोर लगाएं, तो ज़्यादा ड्यूरेशन चूज़ करो। ड्यूरेशन चूज़ करने के बाद आपसे पूछा है कि अगर कोई रेफरल कोड आपके पास, उस रेफरल कोड को यहाँ डाल दो, आप पहले रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो ABHI50। इस रेफरल कोड को यूज़ करने का फायदा क्या है? अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हो किसी भी ड्यूरेशन के लिए, आपको सिंपली 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हो।
उसका स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 19 मई से नए बैचेस शुरू हो चुके हैं। हमारी कंट्री का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। बहुत सारे बैचेस आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिए गए, SBI क्लर्क का बैच यहाँ पर बना दिया गया, CET का बैच आपके लिए बना दिया गया, उसके अलावा SBI प्योर, उसके अलावा वो सारे बैचेज जो कि आने वाले एग्जाम में आपको मदद करेंगे, सारे बैचेज को क्रिएट कर दिया गया। आपको अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। हर संडे ये स्कॉलरशिप टेस्ट रखा जाता है, बहुत तरह के आप प्राइजेस यहाँ जीत सकते हो। सिंपली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाओ, कॉम्बैट पर क्लिक करो, अपने आप को एनरोल कर लो। एनरोल के लिए अगर रेफरल कोड मांगा जाए तो इस रेफरल कोड को डाल देना ताकि आप इस टेस्ट को संडे को दे पाओ। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बैंक अल्टीमेट टेस्ट ऑफर आपके लिए चल रहा है, 100 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर रखे जाएंगे। वैसे तो इसकी वर्थ है ₹2500, पर अगर आप कोई भी एक साल या उससे ज़्यादा वाली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये फ्रीली वहाँ पर मिल जाएगा। एक और ऑफर चल रहा है स्पेशल इंट्रोडक्टरी ऑफर, 99% तक ऑफ मिलेगा आपको RBI नबार्ड Phase 2 की सब्सक्रिप्शन पर अगर आप बैंक एग्जाम्स कॉम्बो को परचेज करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर ऑल सेट फॉर द क्लास एंड लेट्स क्रैक। ठीक है, अगर आपको एक क्लास की PDF चाहिए जो हम पढ़ेंगे तो PDF आपको मिलेगी, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको क्लास की PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप में से किसी का स्ट्रक्चर रह गया था जो आज की क्लास के हमारे न्यूज़ अगर रह गई थी तो आप यहाँ से देख सकते हो। A76 वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग सेटेड न्यूज़ है। सेकंड न्यूज़, सेंटर लॉन्च करेगा DD इंटरनेशनल। थर्ड न्यूज़, हमारी कंट्री के 6 कल्चरल हेरिटेज साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। फोर्थ न्यूज़, तोकाते साइक्लोन जैसे खत्म हुआ एक नया साइक्लोन यास इसके बनने के चांसेस हो रहे हैं, और 12 क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक अफेयर्स कैटे का, इन विच स्टेट इज दिस सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड। आपको इंडिया के कौन सी स्टेट में सबरीमाला टेम्पल मिलेगा, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को अटेंड करने आपको ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई भी डाउट है, इन सब चीज़ों के लिए आप लाइव चैट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों के लाइव चैट को रेगुलरली चेक कर रहा हूँ और वहीं पर अगर आप कोई क्वेश्चन अटेंड करोगे तो मैं सही गलत वो सब चीज़ें आपको बता पाऊंगा। इन विच स्टेट इज द सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड, सबरीमाला टेम्पल आपको इंडिया की कौन सी स्टेट में मिलेगा, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इन विच स्टेट इज द सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड, ठीक है तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सबरीमाला टेम्पल आपको मिलेगा केरला में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने वाला टेम्पल है। ठीक है, वो वुमेन्स एंटी को लेके भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी रही थी इस टेम्पल में। ठीक है, तो सबरीमाला टेम्पल आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा केरला में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताई गई है और बाकी तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पर नहीं है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। स्टैटिक अफेयर्स कैटिया क्वेश्चन है, वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन लोकेटेड। एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, ये कहाँ लोकेटेड है, जयपुर, रानीखेत, श्रीनगर या फिर न्यू दिल्ली। कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की लाइव चैट ऑप्शन में, वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन लोकेटेड, कहाँ पर है ये, जयपुर, रानीखेत, श्रीनगर या फिर न्यू दिल्ली। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन आपको इंडिया की कौन सी रीजन में मिलेगा, जयपुर, रानीखेत, श्रीनगर या फिर न्यू दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। तो श्रीनगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है, जहां पर आपको मिलेगा इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, ठीक है, जो कि आपको मिलेगा श्रीनगर में। चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी फर्स्ट न्यूज़ पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। A76 किसको बुलाया जा रहा है, A76 जो आप ये पीस देख पा रहे हो, A76 क्या है, इसको बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है जो कि टूट चुका है एंटार्क्टिका से। तो एंटार्क्टिका जो आपको पता है प्लैनेट अर्थ की साउथ पोल पे आपको एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट मिलेगा, ठीक है, जहाँ बस बर्फ ही बर्फ है, वहाँ से एक बहुत बड़ा दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूट चुका है, इसका नाम है A76। जान लेते हैं इसके बारे में क्या रीज़न था इसके टूटने का, इसे इम्पैक्ट क्या होगा। तो एक आइसबर्ग रिसेंटली एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट से टूट कर अलग हो चुका है, ठीक है, इसको बताया जा रहा है कि दुनिया का अब तक का लार्जेस्ट आइसबर्ग है, जो इसका नाम रखा गया वो रखा गया A76। इसकी अगर डायमेंशन बताऊँ तो 170 किलोमीटर लॉन्ग और 25 किलोमीटर वाइड। बड़े बड़े जो दुनिया के शहर है ना उनका भी ये साइज़ नहीं होता, सोचो 170 किलोमीटर लॉन्ग मतलब ऐसे 170 किलोमीटर का और ऐसे 25 किलोमीटर का। दुनिया के बड़े बड़े सिटीज़ कई तो डिस्ट्रिक्ट्स भी होंगे जो कि इतने साइज़ के नहीं होंगे, उससे भी बड़ा ये आइसबर्ग है, ठीक है। और इसको इसके बारे में पता कैसे लगा, तो ये जो आइसबर्ग है ना इसको स्पॉट किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के यहाँ पर एक सैटेलाइट ने, ठीक है, उसने देखा इस आइसबर्ग को सबसे पहले और उन्होंने इसका नाम रखा A76। अब मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, देखो अगर आप देख सको ये जो है प्लैनेट अर्थ का साउथ पोल है, यहाँ पर आपको साउथ पोल मिल जाएगा, ठीक है, और ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में अगर आप यहाँ देखो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं रॉन आइस शेल्फ, रॉन आइस शेल्फ के इस तरफ है वेडल सी। तो यहाँ पर इस रीजन से जो आइसबर्ग है बहुत बड़ा इसका हिस्सा टूट गया, ठीक है, तो यहाँ से आइसबर्ग का हिस्सा निकल गया और ये वेडल सी में इस टाइम पे फ्लो कर रहा है, ठीक है।
और देख लेते हैं और यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन बताई गई है। ठीक है, तो जब भी एक आइसबर्ग टूट के अलग होता है अंटार्कटिका से, उससे प्रॉब्लम क्या होती है? देखो अभी जो आइसबर्ग है ना, इनका साइज बहुत बड़ा होता है। आपको मैंने दिखाया कि कितना, 170 किलोमीटर लेंथ, 25 किलोमीटर ब्रेथ। जब भी आइसबर्ग टूट के अलग होते हैं, इसमें जितना भी आइस का आइस अब मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। देखो जब वो यहाँ से टूट के अलग जाएगी, तो यहाँ तो जैसे जैसे आप अंटार्कटिका से दूर जाओगे हीट बढ़ती रहेगी, तो वो सारी आइस पिघल के पानी में चली जाएगी। ठीक है, उससे होगा क्या, जब तक तो वो आइस थी तो वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था। जब वो सारा मेल्ट हो जाएगा, वो सारा ओशंस में मिक्स हो जाएगा, और इसकी वजह से दुनिया भर के जो ओशंस है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी काफ़ी सालों से बढ़ रहा है और बढ़ने लग जाएगा। इससे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है लो लाइंग सिटीज, जैसे मुंबई की बात करें, उसके अलावा अंडमान निकोबार की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, दुनिया भर में बहुत सारी शहर है जो लो लाइंग है। लो लाइंग मतलब सी लेवल के मुकाबले वो काफ़ी कम हाइट में। जैसे अगर बात करें, आपने देखा होगा कोई भी सिटी के बारे में बात की जाती है तो बताया जाता है कि सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे, कोई भी माउंटेन के बारे में हाइट बताई जाती है तो सी लेवल से बताई जाती है। कुछ सिटीज़ होती हैं जो कोस्ट पे होती है, वो सी लेवल के मुकाबले बहुत ज़्यादा लो लाइंग होती है। चेन्नई, मुंबई, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। जैसे जैसे दुनिया के ओशंस का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, ये जो लो लाइंग सिटीज़ है इनमें पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओशन में पानी बढ़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है जब एक आइसबर्ग इस रीजन से टूट जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं उन्होंने क्या बताया हुआ। तो जो A76 आइसबर्ग है ना, ये असल में कहाँ से टूटा है? रॉन आइस शेल्फ, मैंने आपको बता दिया। रॉन आइस शेल्फ आपको ये रीजन है, इसको बोलते हैं रॉन आइस शेल्फ। ठीक है, अगर आप लोग ने मैप्स की क्लास अटेंड करी थी, मैप्स की क्लास हम लोगों ने रखी थी मंडे शाम को, तो मैप्स की क्लास में इस बार हमने नॉर्थ और साउथ पोल को डिस्कस किया। तो मैप्स की क्लास में हमने एंटार्क्टिका, ईस्ट एंटार्क्टिका, ट्रांस एटलांटिक माउंटेन, सब चीज़ों के बारे में पहले बात कर ली। ठीक है, तो ये सब हो गया यहाँ पर हमारी फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। चलते हैं अपनी सेकेंड न्यूज़, इसको डिस्कस करते हैं। न्यूज़ नंबर टू क्या है, हमारी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, न्यूज़ क्या है, हमारी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉन्च करेगी डीडी इंटरनेशनल। आपको पता है डीडी के बहुत सारे चैनल्स, दूरदर्शन बहुत तरह के चैनल्स आते हैं, वेरियस लैंग्वेजेस में चैनल आते हैं, तो डीडी इंटरनेशनल का देखो आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जिसके पास अपने इंटरनेशनल चैनल्स हैं। जैसे बीबीसी बेस्ट एग्जाम्पल है, बीबीसी ये यूके का इंटरनेशनल चैनल है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स को बोला जाता है। ठीक है, फिर रशिया के पास RT है, उसके अलावा फ्रांस के पास France 24 है, फिर एक बहुत फेमस है उसका नाम है अल जजीरा, उसको यहाँ पर कतर की गवर्नमेंट चलाती है। तो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज इस तरह से न्यूज़ चैनल्स को चलाती हैं। इससे होता क्या है, नॉर्मली तो इन न्यूज़ चैनल्स का काम होता है जो दुनिया भर की रिपोर्टिंग है वो करना, पर जैसे अब बीबीसी है, बीबीसी की जो सारी फाइनेंसिंग है वो यूके की गवर्नमेंट देती है, तो यूके की गवर्नमेंट बीबीसी को बता सकती है कि आप इस तरह से काम करो, इस तरह से काम मत करो, इस कंट्री के बारे में इस तरह से आप लोग न्यूज़ छापो। ठीक है, तो यूके की गवर्नमेंट जो अपना मोटिव है वो भी यहाँ पर पूरा कर सकती है बीबीसी के थ्रू। इसी तरह से रशिया गवर्नमेंट RT के थ्रू, फ्रांस की गवर्नमेंट France 24 के थ्रू, और अल जजीरा के थ्रू कतर की गवर्नमेंट अपना जो मोटिव है दुनिया के आगे रख सकती है। इंडिया के पास ऐसा कोई चैनल नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि डीडी इंटरनेशनल हम बनाएंगे ताकि इंडिया के जो इंडिया का व्यू पॉइंट है वो पूरी दुनिया के सामने रखा जा सके। ऐसा क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया, इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि कोविड का जो वेव टू थी, COVID-19 की जो वेव टू थी वो एक तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स थी। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स ने इंडिया में, आप कह सकते हो, एक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करी। ये मैं ये नहीं बोला इंडिया में हालत ख़राब नहीं थी, इंडिया में हालत बहुत ख़राब थी, पर उन चीज़ों को जैसे डेड बॉडीज़ दिखाना, उसके अलावा लोग हॉस्पिटल्स में बहुत मुश्किल हाल में थे वो दिखाना, ये सब चीज़ें एक इरिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग में आता है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम बतानी है बताओ, पर ये सब चीज़ें जो कि विजुअली बहुत मुश्किल हो जाए देखना, ये सब चीज़ें दिखानी एक अच्छी चीज़ नहीं होती। पर इन न्यूज़ चैनल्स ने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि ऐसी अगर हम लोग ग्राफिक्स दिखाएंगे तो हमारे हमारी जो इंगेजमेंट है बढ़ेगी दुनिया में, लोग ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं। ठीक है, जो डेवलप कंट्रीज है वो देखना चाहती है कि इंडिया ऐसी कंट्री में हो क्या रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारा व्यू पॉइंट तो रह गया, इतना कुछ हम कर रहे हैं, इतनी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वो तो किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाई। तो बस इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारा व्यू पॉइंट है, जो हमारी हम अपनी तरफ कर रहे हैं कंट्री में, जो हमारी डेवलप है, वो भी हम तो दुनिया को दिखाएं। तो इस वजह से डीडी इंटरनेशनल को यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो डीडी के अंदर वैसे बहुत तरह के चैनल्स चलते थे, पर डीडी इंटरनेशनल अब इसको कोशिश की जाएगी कि दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ में इसको शुरू किया जाए, इस चैनल को, मतलब जो भी रिपोर्टिंग हो रही है दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के टीवीज़ पे आए। ठीक है, और कोशिश ये रहेगी कि जो इंडिया का पॉइंट है वो दुनिया यहाँ पर देख सके। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, तो स्टेट ओन्ड का मतलब है गवर्नमेंट ओन्ड ब्रॉडकास्टर जो दूरदर्शन, ठीक है, वो प्लान कर रहा है डीडी इंटरनेशनल को लॉन्च करने के लिए। यहाँ पर मेन प्रोजेक्ट क्या है, इंडिया की जो वॉइसर्स को ग्लोबली दिखाना। ठीक है, तो इंडिया क्या अपने लेवल पे काम करता है, क्योंकि जब ये न्यूज़ चैनल्स, बाहर वाले न्यूज़ चैनल्स इंडिया में आते हैं तो इंडिया के सिर्फ एक तरह से गलत चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है, इंडिया में बहुत गरीबी है, वो सब ये दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे इंडिया की सॉफ्ट पावर वीक हो रही है, इंडिया की जो एक इंडिया ब्रांड है वो वीक हो रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, जो हमारी कंट्री में अच्छी चीज़ें हैं वो भी दिखाएं। ठीक है, अब बुरी चीज़ें तो देखो रशिया में भी है, पर RT कभी भी रशिया की बुरी चीज़ें दिखाता,
कुछ खराब चीजें तो यूनाइटेड किंगडम में भी है, पर बीबीसी वो कभी नहीं दिखाता, ठीक है। इसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि चलो इंडिया के बारे में जो बुरी चीजें वो तो ये सब दिखा रहे हैं, थोड़ा इंडिया की अच्छी चीजें भी दुनिया को दिखाने की कोशिश करें, जो कि डीडी इंटरनेशनल के थ्रू किया जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, जो डीडी है ना हमारी कंट्री में, असल में डीडी काम करता है प्रसार भारती के अंदर, ठीक है ना, कि डीडी सिर्फ नहीं, एआईआर ऑल इंडिया रेडियो भी प्रसार भारती के अंदर काम करता है। तो दूरदर्शन की जो पेरेंट कंपनी है प्रसार भारती, उन्होंने एक ईओआई रिलीज किया, ईओआई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रसार भारती ने बताया कि हम लोग प्लान कर रहे हैं डीडी इंटरनेशनल जैसा एक चैनल बनाने का, इसमें जो प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, वो क्या क्या अपनी तरफ से योगदान दे सकती है, कैसे हमको सपोर्ट कर सकती हैं, किस तरह से हम लोग इस चैनल को क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज कर दिया गया 13 मई को। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स अब यहाँ पर कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने में, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो पैसे की तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर डीडी इंटरनेशनल को अच्छी फाइनेंसिंग दे, अच्छे लोगों को यहाँ पर जोड़े, अच्छे अच्छे रिपोर्टर्स को जोड़े, तो बिल्कुल जैसे यूके का बीबीसी है, जैसे कतर का अल जजीरा है, बिल्कुल वैसे डीडी इंटरनेशनल भी एक बड़ा ब्रांड बन सकता है, एक बड़ा चैनल बन सकता है। और जो इंडिया का व्यू पॉइंट है कि हम अपनी कंट्री में असल में कर क्या रहे हैं, हमारी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है, सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें भी इंडिया की दुनिया भर को दिखाई जा सकती है, ठीक है। तो ये मेन मोटिव है इसको क्रिएट करने का। प्रसार भारती, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसके अंदर ही प्रसार भारती के अंदर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क काम करता है प्रसार भारती के अंदर। सीईओ आपके लिए इतने, चलो शशि शेखर वेमपाति सीईओ है, बनाया गया था इसको 1997 के अंदर, ठीक है। हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईओआई रिलीज किया प्रसार भारती ने, ये बताने के लिए कि डीडी इंटरनेशनल जैसा हम एक चैनल बनाना चाहते हैं, उस ईओआई में भी एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट लिखी थी, ऑब्जेक्टिव क्या है डीडी इंटरनेशनल को बनाने का, कि एक ग्लोबल प्रेजेंस रखी जाए ताकि इंडिया की जो वॉइस है वो दुनिया को बताई जा सके, इंडियंस की वॉइस, इंडिया कंट्री में हम लोग एज ए कंट्री कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें दुनिया को बताई जा सके, ठीक है। ये मेन मोटिव है जो मैंने आपको बताया कि सेंटर टू लॉन्च डीडी इंटरनेशनल टू प्रोजेक्ट इंडियन स्टोरी ग्लोबली, ठीक है, ताकि इंडिया की वॉइस या फिर इंडिया का जो व्यू पॉइंट है वो दुनिया भर के सामने रखा जा सके, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने यहाँ पर क्या क्या कर लिया, अब तक हमने दो क्वेश्चन कर लिए स्टैटिक अफेयर्स के, दो हमने करंट अफेयर्स की न्यूज़ कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी करंट अफेयर्स कैटेगरी के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दी एस बी आई आर एस जियो 5, ये एक मिसल वार्निंग सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया रिसेंटली एटलस 5 रॉकेट में, ठीक है, स्पेस के अंदर। आपसे पूछा रहा है ये जो सैटेलाइट है ये किस कंट्री को बिलोंग करता है, तो ये वाला जो सैटेलाइट है ये असल में किस कंट्री का सैटेलाइट है, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना या फिर जापान। कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की लाइव चैट ऑप्शन में। दिसेब्रिस जियो 5 इज अ मिसल वार्निंग सैटेलाइट लॉन्च रिसेंटली ऑन द एटलस 5 रॉकेट इन टू द स्पेस। दिस सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंट्री, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना या फिर जापान। ठीक है सुन, तो अभी तक आपने से किसी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, कोशिश करो कि सिब्रिस जियो 5 एक मिसल वार्निंग सैटेलाइट है, इसको रिसेंटली स्पेस में लॉन्च किया गया था एटलस 5 रॉकेट के थ्रू। ये एटलस 5 रॉकेट किसका है, कौन इसको ऑपरेट करता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो सैटेलाइट है ये किस कंट्री का सैटेलाइट था, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना या फिर जापान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस का ये एक रॉकेट, ये सैटेलाइट है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया। मैं आपको न्यूज़ आर्टिकल भी दिखा देता हूँ। एटलस 5 रॉकेट लॉन्चेस सिब्रिस जियो 5 वार्निंग सैटेलाइट फॉर यूएस स्पेस फोर्स। तो जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी है ना, इस तरह से यूएस में एक और फोर्स है, उसको बोलते हैं यूएस स्पेस फोर्स, उनके लिए लॉन्च किया गया सैटेलाइट, ठीक है। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया एटलस 5 रॉकेट के थ्रू। अब आप ये भी सोचोगे कि एटलस 5 रॉकेट असल में होता क्या, तो जो एटलस प्रोग्राम है ना, इसको शुरू किया था एक यूएस की बहुत बड़ी डिफेंस की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन ने, फिर लॉकहीड मार्टिन के साथ आगे जाके जुड़ गया बोइंग, ये भी एक बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनी है, डिफेंस का सामान भी बनाते हैं, जो हमारे चिनूक हैं, अपाची हैं, पोसाइडन है, वो सब हम बोइंग से खरीदते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंपनीज ने मिलकर यहाँ पर क्रिएट किया, इन लोगों ने क्रिएट किया यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एक रॉकेट का नाम है एटलस 5। तो ये यूएस की गवर्नमेंट और दुनिया भर की कंट्रीज के लिए यहाँ पर लॉन्चेस को प्लान करते रहते हैं, ठीक है। चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक एमओयू साइन कर लिया है ताकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जा सके ट्राइबल स्कूल्स की। विद विच ऑर्गेनाइजेशन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज इंक्ड MOU फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स। क्या ऐसा MOU साइन किया गया बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, फेसबुक के साथ, गूगल के साथ या फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की लाइव चैट ऑप्शन में। विद विच ऑर्गेनाइजेशन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज इंक्ड, इंक्ड मतलब साइन किया है MOU
फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फेसबुक, गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट? ठीक है, तो आप में से अगर कोई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा, मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट साइन MOU ऑन जॉइंट इनिशिएटिव फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। चलते अपनी थर्ड न्यूज़ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ क्या है, हमारी कंट्री के जो कल्चर मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि 6 कल्चर हेरिटेज साइट्स हमारी कंट्री की, इंडिया की 6 कल्चर हेरिटेज साइट्स को अब यहाँ पर जोड़ दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, इनको किस बेसिस पे चूज़ किया जाता है, इंडिया की जो 6 कल्चर हेरिटेज साइट्स हैं ये कौन कौन सी, इन सबको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनेस्को और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से। यूनेस्को जैसे आपको होता है ये बॉडी है, काम करती है यूनाइटेड नेशन के अंदर। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशल एजेंसी है यूएन की, इसके हेडक्वार्टर्स है पेरिस फ्रांस में, बनाया गया था 1945 में। हेड ये सब आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अब यूनेस्को की एक लिस्ट है, अगर आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट देखनी है, आप इनकी वेबसाइट पर चल जाओ। दुनिया भर की कंट्रीज के हिसाब से इन्होंने लिस्ट लगाई हुई है। इंडिया की अगर आप लिस्ट देखो तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये सब जो जगह है ना, ये इंडिया में इनको स्टेटस मिला हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। आप देख सकते हो आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ताजमहल, उसके अलावा सन टेम्पल, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबन नेशनल पार्क, हिमायू टोम दिल्ली, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट। तो ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इनको स्टेटस मिला हुआ है। रिसेंटली इसमें 6 और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐड होगी इंडिया की। इंडिया ने 9 का नाम भेजा था कि इन 9 को ऐड कर लो, 9 तो नहीं ऐड हुई, 6 इन्होंने ऐड कर लिया। अब ये 6 है कौन कौन सी, गंगा घाट्स ऑफ वाराणसी, तो ये तो आपको बहुत फेमसली पता है वाराणसी में जो गंगा रिवर के घाट है। टेम्पल्स ऑफ कंचीपुरम जो कि आपको मिलेगा तमिलनाडु में, सतपुरा टाइगर रिजर्व जो कि है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्ट, तो महाराष्ट्र स्टेट में जो पुराने टाइम पर, ठीक है, बहुत तरह के जो प्रोविंसेस रहे उस टाइम पे, जो बहुत महाराजा रहे उनके टाइम पे, जो भी आर्किटेक्ट बनाए गए, फोर्ट्स बनाए गए, उन सबको यहाँ पर शामिल किया गया। फिर हीरे बेनेकाल मेगाटेक साइट, उसके अलावा भेंडा घाट, लम्बे घाट ऑफ नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश। तो ये जो छः चीज़ें इनको यहाँ पर जोड़ लिया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। तो अब इंडिया में टोटल 48 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो 6 जुड़ने के बाद, मतलब इससे पहले कितनी थी, इससे पहले थी यहाँ पर 42, अब यहाँ पर 6 और जुड़ गई, तो टोटल 48 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पर हो गई हैं अब इंडिया की। तो आप देख सकते हो ये सारी लिस्ट दी गई है। ठीक है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट, जैसे जयपुर सिटी, अब ये ना कई बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जगह वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी अनाउंस कर देते हैं, तो जो जयपुर सिटी है उसको भी स्टेटस मिला हुआ है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की सिटी यहाँ पर होनी चाहिए, ग्वालियर है जैसे, और ओरछा है, वो शायद मेरे को यहाँ दिख नहीं रही। ठीक है, तो वो सब भी है, ये लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, तो ये सब होती है जिसको कि बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या फिर वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, फोर्थ न्यूज़ है। तो आज की हमारी आखिरी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि जैसे आपको पता है साइक्लोन्स, ठीक है, तो एक साइक्लोन रिसेंटली तौकाते, ये तो अभी ख़त्म हुआ, बहुत ज़्यादा डैमेज करने के बाद ये डिसिपेट हो गया, पर एक और साइक्लोन है जो यहाँ पर रेडी हो रहा है। ठीक है, और मोस्ट प्रॉबली ये भी इंडिया को हिट कर सकता है, इसका नाम है यास। तो साइक्लोन यास जो है ये प्रिपेयर, मतलब ये तैयार हो रहा है। ठीक है, अब हमको कैसे पता है तैयार हो रहा है, तो जो कंडीशन चाहिए होती है एक साइक्लोन बनने की, वो बिल्कुल कंडीशन इस टाइम पर रेडी है बे ऑफ बंगाल में। तो आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है, आने वाले कुछ टाइम में चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये साइक्लोन बन जाएगा और इंडिया को हिट करेगा। कौन कौन सी स्टेट्स को खतरा हो सकता है, उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल को, ठीक है, 26 मई तक ये हिट कर सकता है। जैसे जो साइक्लोन तौकाते था इसने किसको हिट किया था, इसने हिट किया था महाराष्ट्र को, गुजरात को, ये वाला जो यास है ये हिट कर सकता है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को। अब ये जो नाम थे तौकाते यास, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो इंडियन ओशन रीजन में 13 कंट्रीज आती हैं जिनके ऊपर ये साइक्लोन्स का इंपैक्ट पड़ सकता है, वो 13 कंट्रीज अपने हिसाब से नाम देती हैं। ठीक है, तो कुछ नाम इंडिया देगा, कुछ यहाँ पर म्यांमार देगा, कुछ नाम ओमान देगा, कुछ नाम पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज मिलकर नाम देती है। उनमें से फिर एक एक करके नाम को चूज़ करते थे। तो जैसे अगर एक नाम इंडिया का चूज़ कर लिया, अगला नाम म्यांमार का चूज़ करेंगे, ठीक है, तो तौकाते जो नाम था ये म्यांमार ने दिया था, यास जो नाम है ये ओमान ने दिया। ठीक है, तो समझ लेते हैं इस न्यूज़ को। तो इस साल का जो साइक्लोन सीजन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है इंडिया के लिए, खासकर जो नॉर्थ इंडियन ओशन का रीजन है। एक बहुत पावरफुल साइक्लोन तौकाते, इसने बहुत तंग किया इंडिया को, खासकर हमारी वेस्ट कोस्ट पे। ठीक है, वेस्ट कोस्ट मतलब अगर इंडिया के ऐसे कोस्ट बनाऊँ तो ये वेस्ट कोस्ट है जहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, तो वेस्ट कोस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी हमने तौकाते की वजह से। अब एक और साइक्लोन है जो ब्रू हो रहा है, ब्रू मतलब
कंडीशन सारी बन चुकी हैं। जैसे आपको पता है ब्रू असल में वर्ड यूज़ किया जाता है अल्कोहल से लेकर, कि अल्कोहल को ब्रू करना पड़ता है बहुत टाइम के लिए। तो यहाँ पर कंडीशन सारी रेडी हो चुकी हैं एक बड़ा साइक्लोन बनने के लिए, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली ये साइक्लोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन शुरू कैसे होती है, सबसे पहले एक लो प्रेशर एरिया चाहिए होता है, वहाँ से मतलब समुद्र में एक लो प्रेशर एरिया होगा तो वहाँ से साइक्लोन बनना शुरू हो जाएगा। और बे ऑफ बंगाल में इस टाइम पर कंडीशन रेडी हो चुकी हैं जो कि एक बहुत पावरफुल साइक्लोन में आगे जाके कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये साइक्लोन आता है इसका नाम रखा जाएगा यास, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल स्टेट्स में, इन दोनों स्टेट्स में इम्पैक्ट पड़ सकता है। 26 मई तक ये साइक्लोन लैंडफॉल कर सकता है। लैंडफॉल मतलब जैसे आपको पता है आज से दो दिन नहीं दो नहीं तीन दिन पहले, आज से तीन दिन पहले जो ताइक्वांते साइक्लोन था उसने लैंडफॉल किया था गुजरात पे। लैंडफॉल मतलब जब साइक्लोन सी में से निकल के लैंड पे या फिर कोस्ट पे जाके टच करता है उसको बोलते हैं कि अब साइक्लोन ने यहाँ पर लैंडफॉल कर लिया, ठीक है। और देख लेते हैं तो ये जो अगर आप देखो जो ताइक्वांते साइक्लोन था उसने इस एरिया में ज़्यादा डैमेज मचाया, सारा डैमेज उसका ये वाला एरिया था। ये जो होगा, ठीक है, यास जो होगा, यास यहाँ कहीं से शुरू होगा बे ऑफ बंगाल से, और इसका जो डैमेज है उड़ीसा और उसके अलावा वेस्ट बंगाल वाली स्टेट्स की तरफ ज़्यादा रहेगा। अगर मान लो ये अपना रूट थोड़ा सा चेंज करता है तो अंडेमान निकोबार को भी बहुत डैमेज पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आईएमडी के हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली जो डैमेज है वो इस एरिया में, इस पूरे एरिया में, बांग्लादेश को भी काफ़ी डैमेज हो सकता है, इस पूरे एरिया में इसका डैमेज देखा जाएगा, ठीक है। तो फोरकास्ट के हिसाब से एक लो प्रेशर रेडी हो गया, ठीक है। 22 ऑफ मई तक एक साइक्लोन की कंडीशंस बन जाएंगी और 26 ऑफ मई तक चांसेस है कि जो यास साइक्लोन है ये जाके हिट कर सकता है हमारी कंट्री की कोस्ट लाइन पे। और अंडेमान निकोबार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट्स को यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया। तो आप देखोगे कि जो NDRF है और जो बाकी सारी फोर्सेज हैं जो पहले की डिप्लॉयड थी हमारी कंट्री की वेस्ट कोस्ट पे, अब ये लोग शिफ्ट करेंगे अपने आप को ईस्ट कोस्ट पे। तो वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट पे अब मूवमेंट शुरू हो जाएगी NDRF और सारी फोर्सेज की, क्योंकि अब यहाँ पर एक बड़ा साइक्लोन आ सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अगले एक ही हफ्ते में साइक्लोन यहाँ पर हिट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो साइक्लोन्स है बनते कैसे। देखो अगर आप ये वाला मैप देखो ना, तो इस वाले मैप में आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। मैक्सिमम जो साइक्लोन्स आते हैं ना इस पूरे रीजन में वो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं, अरेबियन सी में कम आते। क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो हीट या फिर कहो जो पानी है ना वो ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। अरेबियन सी में पानी का टेम्परेचर इतना नहीं होता जितना बे ऑफ बंगाल में होते हैं। जितना पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितनी पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर है वो जितनी ज़्यादा हीटेड होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस है साइक्लोन बनने के, ठीक है। तो अगर आप इस इमेज को देख सको, इस इमेज में क्या दिखाया जा रहा है कि पानी की ऊपर वाली लेयर जितनी ये ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है, जितनी ये ज़्यादा गर्म होगी उतना ही ये डिस्टर्बेंस करेगी कोल्ड अनस्टेबल एयर के साथ। जब ये डिस्टर्बेंस होगी तो एक साइक्लोन बनने की कंडीशंस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है हमारी कंट्री के बे ऑफ बंगाल रीजन में। हेलो रितिक, गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो इस रीजन में ये ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि यहाँ जो पानी होता है वो वार्म होता है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। अरेबियन सी में भी साइक्लोन आते हैं पर ज़्यादा आते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो इस सीज़न में 2021 में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म का सीज़न था, पहला आया यहाँ पर अरेबियन सी में, दूसरा जो यास है वो मोस्ट प्रॉब्ली आएगा हमारी कंट्री के बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ये वाली न्यूज़ और IMD के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ताइक्वांते के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन थी इन लोगों ने दी और यास के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग ही दे रहे हैं, ठीक है। बनाया गया था 1875 में, हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली के अंदर, काम करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं हमारे, इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है करंट अफेयर्स, कैटी का आपसे पूछा रहा है, लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम, ठीक है, जिसका सेंटर होगा इंडिया, मतलब इंडिया को एक सेंटर मान के सिस्टम को बनाया जाएगा, इसको कौन सी कंपनी सेटअप करने वाली है। द लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम सेंटर्ड ऑन इंडिया इज बिंग सेट अप विद विच कंपनी, कौन सी कंपनी इसको सेटअप करने वाली है, अमेजॉन, BSNL, रिलायंस जियो या फिर एयरटेल, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ आदित्य बोले इसका सही आंसर ऑप्शन बस ये रिलायंस जियो, और ऋतिक बोले इसका सही आंसर ऑप्शन बस ये रिलायंस, और कोई अटेम्प्ट करना चाहता है तो जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर दो। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बस ये रिलायंस जियो। आपको एक न्यूज़ आर्टिकल भी दिखा देता हूँ, जियो बिल्डिंग लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम सेंटर्ड ऑन इंडिया। तो आपको यहाँ पर ना पता होना चाहिए, जैसे अगर इंडिया का मैप बनाया तो जो इंटरनेट आज के टाइम पे काम कर रहा ना वो इंटरनेट सैटेलाइट्स के थ्रू काम नहीं करता, वो इस तरह से केबल्स के थ्रू काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं जिनको समुद्र के नीचे बिछाया जाता है, इन्हीं को सबमरीन केबल्स भी बोल देते हैं क्योंकि सबमरीन के थ्रू या फिर शिप्स के थ्रू इनको बिछाया जाता है। अब इस तरह का केबल सिस्टम इंडिया से जुड़े हुए हैं पर इंडिया बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था, ये ज़्यादा सिस्टम आपको नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में मिलेंगे। जियो एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाना चाहता है इस तरह से और उसका सेंटर होगा इंडिया, मतलब इंडिया से बहुत सारी वायर्स निकलेंगे जो दुनिया भर में जाकर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जियो की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ताकि इंडिया में अच्छी स्पीड ऑफ इंटरनेट प्रोवाइड की जा सके। 6th क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटी का,
नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर टू प्रेजिडेंट एट द व्हाइट हाउस इन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट कर दिया गया सीनियर एडवाइजर टू द जो इस टाइम पे यूएस के प्रेजिडेंट, इनका नाम है जो बाइडन। ठीक है, आपसे पूछा रहा है इंडियन का नाम क्या, क्या उनका नाम है? नीना टंडन, वनीता गुप्ता, विवेक मूर्ति या फिर विनय रेड्डी? आपको नाम बताना है इनका, मैंने इनकी पिक्चर भी लगा दी है। तो नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर टू प्रेजिडेंट एट द व्हाइट हाउस इन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या इनका नाम है? नीरा टंडन, वनीता गुप्ता, विवेक मूर्ति या फिर विनय रेड्डी? कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की लाइव चैट ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो अटेम्प्ट कर दिया इसको आदिति ने, आदिति बोले इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि नीरा टंडन। और अगर आप में से कोई अटेम्प्ट करना चाहे तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीरा टंडन। ठीक है, बिल्कुल सही रहते। तो इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन अपॉइंटेड व्हाइट हाउस सीनियर एडवाइजर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलते अपने सेवंथ क्वेश्चन पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन करंट अफेयर्स कैटेगरी क्वेश्चन है और एक रीसेंट गाइडलाइन से जुड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सेंटर की न्यू एडवाइजरी या फिर सेंटर की न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से कितने डिस्टेंस तक एरोसोल्स कैरी कर सकते हैं कोविड 19 के वायरस को? ठीक है, और हवा में ट्रैवल कर सकते हैं। एरोसोल मतलब हवा के अंदर जो छोटे छोटे मॉइस्चर पार्टिकल्स होते हैं या फिर लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। एज पर सेंटर्स न्यू एडवाइजरी, हाउ मच डिस्टेंस कैन एरोसोल कैरिंग द कोविड 19 वायरस ट्रेवल इन द एयर? तो इससे गवर्नमेंट ये बताना चाह रही है कि जो बड़े टाइम से डिस्कशन चल रही थी कि क्या कोविड हवा से हो सकता है नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट बोली है हो तो सकता है पर कुछ डिस्टेंस तक। तो कितना डिस्टेंस बताया गया कि 10 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर या 30 मीटर, इनमें से कितने डिस्टेंस तक यहाँ पर एरोसोल के थ्रू कोविड 19 का वायरस ट्रेवल कर सकता है? 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 15 मीटर्स या फिर 30 मीटर्स? रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक गाइडलाइन जारी करी और ये बोला कि अगर मान लो ऐसा आपको लगता है कि ठीक है घर में कोई किसी एक रूम में कोई एक ऐसा पेशेंट है जो कोविड से यहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट है, तो अगर एयर भी ट्रैवल कर रही है उस रूम से आपके रूम तक, तो यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि आपके तक ये वायरस पहुँच जाए, इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत है। तो ऋतिक बोले हैं शायद इसका सही आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर, जो बिल्कुल सही आंसर, 10 मीटर। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ। एरोसोल्स कैन ट्रैवल अप टू 10 मीटर से सेंटर न्यू कोविड 19 एडवाइजरी। ठीक है, तो अब कोशिश क्या की जाएगी, जहाँ पर भी कोविड के पेशेंट्स हैं वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन की जाए, नहीं तो अगर हवा नॉर्मली ट्रैवल करती रहेगी तो एरोसोल के थ्रू भी ये वायरस फैल सकता है। चलते हैं अपने एट्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स कैटी का, आपसे पूछा रहा है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिक्लेयर कर दिया म्यूको आयल माइकोसिस डिजीज़ को एज एपिडेमिक इन दी स्टेट? अपनी स्टेट में एपिडेमिक इस डिजीज़ को किसने अनाउंस कर दिया? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? आई नो आपने भी पढ़ा होगा कि एक से ज़्यादा स्टेट अभी अनाउंस कर चुकी है, पर इनमें से क्या सही आंसर है? सबसे पहले जो इनमें से सही आंसर है, उस स्टेट ने सबसे पहले म्यूको आयल माइकोसिस को एक एपिडेमिक अनाउंस कर दिया था अपनी स्टेट के अंदर। क्या ऐसा अनाउंस किया है? उड़ीसा ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने या फिर राजस्थान ने? कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड म्यूको आयल माइकोसिस डिजीज एज एन एपिडेमिक इन दी स्टेट? ठीक है, तो अभी तक आप में से किसी ने इसको आंसर नहीं किया तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका बिल्कुल सही आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट ने सबसे पहले म्यूको आयल माइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को यहाँ पर एक एपिडेमिक अनाउंस कर दिया। ठीक है, आपको पता होगा एपिडेमिक क्या होता है, ये वो बीमारी होती है जो कि मतलब हमारी कंट्री में तो वैसे एपिडेमिक हम लोग अंडर दी जो 1897 का एपिडेमिक एक्ट है उसके अंदर करते हैं, पर दुनिया में क्या होता है एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक, ये तीन तरह की कैटेगरीज होती है। एंडेमिक वो डिजीज़ है जिसके केसेस बहुत लिमिटेड आते हैं पर दुनिया भर में आते हैं। एपिडेमिक वो डिजीज़ है जिसके केसेस तो बहुत सारे आते हैं पर एक पर्टिकुलर एरिया में आते हैं। पैंडेमिक वो बीमारी है जिसके केसेस भी बहुत सारे आते हैं और पूरी दुनिया में आते हैं। तो इस टाइम पे कोविड को एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया हुआ है WHO ने। तो आपको मैं दिखाता हूँ, राजस्थान तो इसको अनाउंस कर चुका है, उसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट ने ब्लैक फंगस को एक एपिडेमिक अनाउंस कर दिया क्योंकि बहुत सारे केसेस बढ़ रहे थे गुजरात में। तेलंगाना गवर्नमेंट है, उन्होंने म्यूको आयल माइकोसिस को एक नोटिफाइबल डिजीज अनाउंस कर दिया और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी स्टेट्स को बोल दिया कि आप यहाँ पर ब्लैक फंगस को एक एपिडेमिक अनाउंस कर दो। ये सब कुछ किसके अंदर किया जाता है? अंडर दी एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा सोशल स्टडीज़ का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार 12 क्वेश्चन हो जाए हमारे पूरे, उसके बाद मैं आपको अच्छे से रिविजन करा दूंगा। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों ने थोड़ा आज लेट ज्वाइन किया है, तो मैं रिविजन में 4 जो न्यूज़ डिस्कस करी और जो 12 क्वेश्चन डिस्कस किए सारे अच्छे से रिविजन में आपको करवा दूंगा। हेलो अंकिता, गुड मॉर्निंग, वेलकम।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन हमारा सोशल स्टडीज का। सोशल स्टडीज में आजकल हम लोग जनरल साइंस कवर कर रहे हैं कि जो फिलामेंट होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन, निकोरम, ग्रेफाइट या आयरन। तो आपको दिखा देता हूँ, ये बल्ब है। बल्ब के अंदर ये जो इसकी सपोर्ट वायर्स होती हैं, इसके बीच में असल में होता है फिलामेंट। ये किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन, निकोरम, ग्रेफाइट या फिर आयरन। ऋतिक बोले इसका सही आंसर होना चाहिए टंगस्टन। अंकिता बोले ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन। टंगस्टन इसका बिल्कुल ही सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्यों, कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है यहाँ पर, ठीक है, फिलामेंट में कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और ज़्यादा रेजिस्टेंस दे सके। तो टंगस्टन दोनों कंडीशंस को पूरा करता है, इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के तौर पे। 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा सोशल स्टडीज़ का, सिंपल क्वेश्चन है सोशल स्टडीज़ में जनरल साइंस सब कैटेगरी का। एयर असल में है क्या, क्या एयर एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोलाइट है या फिर एक मिक्सचर है। एयर इज एन कंपाउंड, एलिमेंट, इलेक्ट्रोलाइट या फिर मिक्सचर। कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, एयर असल में है क्या, कंपाउंड, एलिमेंट, इलेक्ट्रोलाइट या फिर मिक्सचर। तो सबसे पहले अटेम्प्ट कर दिया अंकित आदिति ने, आदिति बोले इसका सही आंसर होना ऑप्शन नंबर डी। ऋतिक बोले ऑप्शन नंबर डी। और कोई अटेम्प्ट करना चाहे तो जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर लो। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिक्सचर। हवा असल में एक मिक्सचर है, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है एयर। 78-79% में नाइट्रोजन है, 21% के आसपास ऑक्सीजन है, उसके अलावा कुछ और गैसेज भी है, आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो हवा क्या है, हवा असल में एक मिक्सचर है। बिल्कुल सही अंकिता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते अपने लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, आखिरी दो क्वेश्चन है, इसके बाद रिवीजन मैं अच्छे से करा दूंगा ताकि जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया वो भी आज सारी क्लास का जो सब कुछ हमने डिस्कस किया वो समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा क्वेश्चन है फाइनेंस का। हम बहुत बार न्यूज़पेपर्स में, टीवी में सुनते हैं कि आरबीआई ने चेंज कर दिया या फिर रिवाइज कर दिया है कुछ रेशियो या रेट्स। उसमें बेसिक पॉइंट्स बहुत यूज़ किया जाता है कि इतने बेसिक पॉइंट्स से आरबीआई ने चीज़ को चेंज कर दिया है। ये जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं या फिर बेसिस पॉइंट्स, ये जो बेसिस पॉइंट होते हैं असल में होता क्या है, क्या 10% ऑफ 100 पॉइंट होता है, 100th ऑफ 1% होता है, 100th ऑफ 10% होता है या फिर 10% ऑफ 1000, ठीक है। तो ये आराम से आप देख सकते हो कितना बोल रहे हैं, 10% ऑफ 1000। तो 1000 का 10% हुआ यहाँ पर 10, ठीक है, सॉरी नहीं 100, 100th ऑफ 10%, तो 100th ऑफ 10% का इसका 1% कितना हुआ 1%, तो 0.1%, ठीक है। 100th ऑफ 1% मतलब 0.01%, या फिर 10% ऑफ 100 पॉइंट, तो इसका मतलब हुआ 10 पॉइंट, ठीक है। तो आपको बताना है कि बहुत बार जो आरबीआई रेट्स को चेंज करता है उसमें यहाँ पर बोला जाता है कि इतने बेसिस पॉइंट से चेंज कर दिया गया, तो बेसिस पॉइंट असल में होता गया। कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। मैनी अ टाइम वी रीड इन द न्यूज़पेपर्स दैट आरबीआई हैज़ चेंज और रिवाइज अ पर्टिकुलर रेशियो रेट बाय अ फ्यू बेसिस पॉइंट। व्हाट इज द बेसिस पॉइंट, 10% ऑफ 100 पॉइंट, 100 ऑफ 1%, 100 ऑफ 10%, 10% ऑफ 1000। तो ऋतिक ने सबसे पहले अटेम्प्ट कर दिया, ऋतिक बोल रहे हैं 100th ऑफ 1% इसका सही आंसर होना चाहिए, और अभी तक तो ऋतिक ने अटेम्प्ट किया है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 100th ऑफ 1%, बिल्कुल सही ऋतिक, ठीक है। तो 100th ऑफ 1% मतलब 0.01, ठीक है, ये असल में इसका सही आंसर हुआ। चलते हैं हम लोग इस क्लास के अपने आखिरी क्वेश्चन के, इसके बाद रिविजन करेंगे अच्छे से, सारे न्यूज़ और सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन हमारा फाइनेंस का, प्रीवियस नाम क्या था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द प्रीवियस नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, प्रीमियर बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक में कोई भी आपसे फाइनेंस में पूछ सकता है, ठीक है, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इस टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है उसका असल में पुराना नाम क्या था, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, प्रीमियर बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अभी तक सिर्फ ऋतिक ने इसको अटेम्प्ट किया, ऋतिक बोले इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और कोई अटेम्प्ट करना चाहे तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। इसका जो बिल्कुल ही सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आपको पढ़ के सुनाता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of July 1955। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1955 विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड टेकिंग अ 60% स्टेक, और इसका नाम चेंज कर दिया था टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग रिवीजन शुरू करें, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो मैं क्लासेस लेता हूँ उसका मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूँ। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से 11 होती है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास, मंडे शाम को 7:30 से 8 बजे होती है स्पेशल मैथ्स क्लास क्वेश्चन आंसर के साथ, ट्यूजडे शाम को 7 से 8 होती है 6 मंथ्स रिविजन क्लास कैटेगरी वाइज क्वेश्चन आंसर के साथ। अच्छा, ऋतिक यहाँ ऋतिक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। फ्राइडे शाम को मतलब कल शाम को, ठीक है, कल नहीं सॉरी आज शाम को 7 से 8:30 हमारी होगी
फुल वीक करंट अफेयर्स की क्लास क्वेश्चन आंसर 100 मिनट, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट क्लास होगी बहुत, इसको आप जरूर अटेंड करना। और आज दोपहर को 3 से 3:30 बजे में के बीच में होगी 20 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ बैंकिंग एंड इकॉनमी, इसका स्पेशल फोकस होगा इकॉनमी सेक्टर के क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहो तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर अभिनव जोशी आप सब मुझे फॉलो कर सकते हो। सारी क्लासेस जो मैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म लेता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको एक क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वाई फाई स्टडी बैंक एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आपको क्लास की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो बैंकिंग एग्जाम की सब्सक्रिप्शन तो ये ड्यूरेशन के हिसाब से ये प्राइस पे आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हो ABHI50 तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। कोई भी कोर्स या कोई भी ड्यूरेशन परचेज करने से पहले, ठीक है, अगर आप इस कोर्स को इस कोड को यूज़ करते हो तो आपको सिंपली 10% ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद इस टाइम पे बैंकिंग एग्जाम में एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 महीने फ्री और 2 साल के सब्सक्रिप्शन आपको 4 महीने फ्री, पर ध्यान रखना ये रेफरल कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साथ अब हम लोग जल्दी से कर लेते हैं अपनी रिवीजन। ठीक है, तो आज हमने 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ करी है और 12 क्वेश्चंस किए हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली क्लास को हमने स्टार्ट किया था, पहला क्वेश्चन था हमारा इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जहाँ पर सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड है। तो सबरीमाला बहुत न्यूज़ में चलता है, आपने सुना होगा, यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से भी न्यूज़ में आ गया था। तो सबरीमाला टेम्पल आपको मिलेगा केरला स्टेट के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन था एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, ये कहाँ सिचुएटेड है, ये आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर, कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। फर्स्ट न्यूज़ A76, ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है जो टूट चुका है एंटार्क्टिका से। ठीक है, एंटार्क्टिका से एक आइसबर्ग टूट के अलग हो चुका है, A76 का नाम है। अगर आप इसकी डायमेंशन देखो तो 170 किलोमीटर लॉन्ग और 25 किलोमीटर वाइड, मतलब दुनिया के बड़े बड़े शहरों से भी बड़ा साइज है इस आइसबर्ग का। ठीक है, और ये अलग कहाँ से हुआ है, अगर आप देखो एंटार्क्टिका का मैप है तो यहाँ वेडल सी के बगल में आपको मिलेगा रॉन आइस शेल्फ, यहाँ कहीं से टूट के अलग हुआ है। जब भी एक बड़ा आइसबर्ग अलग होता है यहाँ पर एंटार्क्टिका से, उससे सबसे बड़ा डर क्या रहता है, जब ये आइसबर्ग पिघलना शुरू होगा इसमें से जो भी पानी है वो ओशंस में चला जाएगा। दुनिया भर में जो लो लाइंग सिटीज है, ऐसे शहर जो सी लेवल के मुकाबले काफ़ी लो लेवल पे, ठीक है, वहाँ पर पानी बहुत अंदर तक जाना शुरू हो जाएगा और बहुत डैमेज होगा। मालदीव, मॉरिशस जैसी कंट्री, सीशेल्स जैसी कंट्री बहुत ज़्यादा डैमेज फेस करती हैं जैसे जैसे वर्ल्ड में ओशंस का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ पे। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हमारी कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करेगी DD इंटरनेशनल नाम का एक ग्लोबल चैनल। ठीक है, आपने BBC के बारे में सुना होगा, आपने अल जजीरा के बारे में सुना होगा, आपने RT के बारे में सुना होगा, ये सब ग्लोबल चैनल्स हैं जो किसी ना किसी कंट्री के हैं। BBC UK का है, अल जजीरा कतर का है, RT रशिया का है, France 24 फ्रांस का है। तो ये अपना पॉइंट भी रखते हैं और दुनिया भर की रिपोर्टिंग भी करते हैं। इंडिया में दिक्कत क्या है, इंडिया की रिपोर्टिंग तो ये सब चैनल्स करते हैं पर इंडिया का पॉइंट रखने के लिए कोई भी चैनल नहीं है। तो ये जो जैसे अल जजीरा कई बार बहुत ही बायस यहाँ पर रिपोर्टिंग करता है इंडिया को लेकर, काफ़ी गलत पिक्चर में इंडिया को दिखाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा पॉइंट रखने के लिए, हमारी कंट्री में अच्छी चीज़ें क्या क्या हो रही है उसको दिखाने के लिए एक चैनल होना चाहिए, डीडी इंटरनेशनल होगा। अब डीडी इंटरनेशनल का जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्रसार भारती देखती है, क्योंकि प्रसार भारती के अंदर ही काम करता है डीडी और प्रसार भारती के अंदर ही काम करता है ऑल इंडिया रेडियो। तो इन्होंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI रिलीज कर दिया कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स हमारे साथ आना चाहते हैं, हमको किसी तरह से हेल्प करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एक EOI रिलीज कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, SBIRIS-ZEO-5 एक मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था Atlas-5 रॉकेट के थ्रू। ये किस कंट्री की सैटेलाइट थी, ये सैटेलाइट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हो, Atlas-5 रॉकेट लॉन्चेस SBIRIS-ZEO-5 मिसाइल। ठीक है, और ये US की जो स्पेस फोर्स है, जैसे हमारे यहाँ तो चलो इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, आज इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड एक काफ़ी खराब न्यूज़ भी आई, आपने सुनी होगी कि एक MiG-21 क्रैश कर गया और जो पायलट थे, ठीक है, वो सेफली अपने आपको इजेक्ट नहीं कर पाए, पायलट वो शहीद हो गए। ठीक है, आपने जरूर न्यूज़ के बारे में सुना होगा। तो जो Atlas-5 रॉकेट्स है ना, या फिर Atlas सीरीज के जो भी रॉकेट्स है, इसको 2 कंपनीज मिलकर बनाती हैं, US की कंपनी है डिफेंस की, उसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, और US की दूसरी कंपनी है बोइंग, ये लोग मिलकर यहाँ पर Atlas रॉकेट्स को बनाती है। फोर्थ न्यूज़ थी वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक MOU साइन किया है ताकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जा सके ट्राइबल स्कूल्स की। इसका सही आंसर था माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ये MOU को साइन किया गया। थर्ड न्यूज़ आज हमारी क्या थी, 6 कल्चर हेरिटेज साइट्स इंडिया की जोड़ ली गई हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। तो मैंने आपको बताया यूनेस्को क्या है, यूनेस्को के अंदर ना दुनिया की हर कंट्री में कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अनाउंस किया जाता है। इंडिया की लिस्ट मैंने आपके सामने लगाई है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम है, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, उसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट्स, बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, इसमें 6 और नाम जोड़ लिए गए। अब ये 6 नाम कौन कौन से हैं, गंगा घाट्स वाराणसी के, टेम्पल्स ऑफ केचीपुरम तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर, मतलब महाराष्ट्र स्टेट में जो राजा महाराजों ने पहले टाइम पे बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाए, मिलिट्री आर्किटेक्चर बनाया वो, फिर हीरे बेंकल जो मैग्नेटिक साइट है, उसके अलावा यहाँ पर बेघाट, लंबागेट, नर्मदा वैली, मध्य प्रदेश। ठीक है, इन सबको जोड़ लिया गया। अब टोटल हमारी कंट्री में
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो हो चुकी हैं 48, ये नंबर आपको पता होना चाहिए, टोटल 48 साइट्स हो चुकी हैं। फोर्थ और आखिरी न्यूज़ क्या थी, जैसे आपको पता है जो ताइकोते हैं वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, टोकाते हैं जो भी आप इसको बोलना चाहो, तो ये साइक्लोन तो ऑलमोस्ट वीक हो चुका है, वीक है खत्म हो चुका है, ठीक है, इसने जो डैमेज करना था कर दिया। अब एक नया साइक्लोन यहाँ पर बन रहा है, उसका नाम है यास। अब हमको कैसे पता है साइक्लोन बन रहा है, क्योंकि जो कंडीशन होती है एक साइक्लोन के लिए वो यहाँ पर सारी हो रही है, और ये साइक्लोन आएगा कहाँ पर, ये आएगा इंडिया की ईस्ट कोस्ट में, ताइकोते आया था वेस्ट कोस्ट में, इस तरफ अरेबियन सी में, ये आ सकता है ईस्ट कोस्ट में, बे ऑफ बंगाल की तरफ, इसका नाम रखा गया यास। आपको पता होगा इंडियन ओशन रीजन में, मतलब इस रीजन में 13 कंट्रीज हैं जहां पर इस साइक्लोन हिट कर सकता है, वो 13 कंट्रीज मिलकर नाम देती हैं। जो ताइकोते था उसका नाम म्यांमार ने सजेस्ट किया था, ये वाली जो कंट्री इसका नाम, यहाँ इसका नाम जो है ये ओमान ने दिया, ठीक है, ये वाला जो साइक्लोन है यास। तो IMD ने यहाँ पर बताया कि 26 मई के आसपास ये हिट कर सकता है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को, पर अगर इससे अपना रूट चेंज किया तो ये अंडेमान निकोबार की तरफ को भी जा सकता है, ठीक है। और मैंने आपको थोड़ा ये भी बता दिया कि एक साइक्लोन बनता कैसे है, जब सी में जो सबसे टॉप लेयर होती है पानी की, वो जितनी ज़्यादा गर्म रहेगी और वो जितनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी कोल्ड अनस्टेबल एयर के बीच में, उतने ज़्यादा चांसेस बनेंगे एक साइक्लोन के बनने के। तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है बे ऑफ बंगाल का, यहाँ पर जो पानी का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी गर्म रहता है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी, तो यहाँ चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं एक साइक्लोन के आने के, ठीक है। और IMD के बारे में जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे 1875 में बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस के अंडर लोग काम करते हैं, सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। फिफ्थ क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम बनाया जाएगा इंडिया में, जिसका सेंटर भी इंडिया होगा, कौन सी कंपनी बनाएंगे, रिलायंस जी, और ये कोई इतने बड़े स्केल पे ये प्रोजेक्ट कोई नहीं कर सकता, ठीक है। छठा क्वेश्चन था, एक इंडियन अमेरिकन ने उनको रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया सीनियर एडवाइजर टू द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका नाम क्या है, नीरा टंडन। सेवन्थ क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन के हिसाब से ये जो COVID-19 है ये हवा के थ्रू ट्रैवल कर सकता है कितने डिस्टेंस तक, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बताया 10 मीटर्स तक। एट्थ क्वेश्चन था, वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने म्यूकर माइकोसिस को एक एपिडेमिक अनाउंस कर दिया, तो वह सबसे पहले अनाउंस किया था राजस्थान ने, उसके बाद गुजरात और तेलंगाना ने भी अनाउंस कर दिया, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी यहाँ पर स्टेट्स को ऑर्डर दे दिया कि आप ब्लैक फंगस को एक एपिडेमिक अनाउंस करना शुरू कर दो। आपने जरूर सुना होगा बिहार में कुछ केसेस व्हाइट फंगस के भी आ गए हैं, जो ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा डेंजरस बताया जा रहा है, पर अभी वो चीज़ कंट्रोल में है, ऐसे नहीं कि केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन था कि जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका फिलामेंट किस चीज़ का बनाता है, टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस देता है जो चाहिए, जो कंडीशंस चाहिए होती हैं। एयर आपसे पूछा गया 10वें क्वेश्चन में, क्या है कंपाउंड एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइट या मिक्सचर, एयर एक मिक्सचर है, ठीक है, तो एयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कुछ हद तक कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन होता है। 11वें क्वेश्चन था, बहुत बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि RBI ने ये परसेंटेज ये रेट्स बेसिस पॉइंट से चेंज कर दिया, तो बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 0.01%, मतलब 100 बेसिस पॉइंट मिलाकर 1% बनता है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो RBI के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ इस क्लास में जितना भी मुझे सिलेबस कवर करना था, जितने क्वेश्चन जितने न्यूज़ मुझे कवर करनी थी मैंने कवर कर ली है। अब आप लोगों का कोई भी डाउट है प्लीज़ अपने डाउट को पूछ लो, मेरी तरफ से यहाँ पर सिलेबस खत्म होता है। तो आज आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, दोपहर को 3 से 3:30 है 20 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ बैंकिंग एंड इकोनॉमी, और शाम को 7 से 8:30 बजे के बीच में है हमारी फुल वीक करंट अफेयर रिविजन की क्लास क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मूला। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेज आज हमारी प्लान्ड है, ठीक है, आप लोगों को क्लासेज को ज़रूर अटेंड करना, और हाँ, और इस क्लास में किसी को भी डाउट है प्लीज़ अपने डाउट को पूछ लो। ठीक, थैंक यू रितिक, थैंक यू अदिति, अगर आपको क्लास अच्छी लगी, थैंक यू स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है प्लीज़ स्टूडेंट्स पूछ लो अपने डाउट को। आई होप जिन लोगों का थोड़ा मिस हो गया था तो रिवीजन में उनको समय लग गया, आज हमने कवर क्या क्या किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, अब हम लोग मिलते हैं दोपहर को 3 से 3:30 बजे के बीच में, और डिस्कस करते हैं 20 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ बैंकिंग और इकॉनमी, फिर हम लोग मिलेंगे शाम को 7 से 8:30 के बीच में, और डिस्कस करेंगे फुल वीक, पिछले फ्राइडे से लेकर इस फ्राइडे के बीच में सारे जो क्वेश्चन आंसर्स करें, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन आंसर उनको रिवाइज करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे, मिलते हैं हम लोग दोपहर को 3 से 3:30 बजे के बीच में, थैंक यू।